जी विधायक जी, आज आपने यहाँ ध्वजारोहण के प्रोग्राम के बारे में बताया, किस प्रकार का अवसर कल मिल गया? जैसे कि आपने देखा, हमने झंडा वितरण किया और 5 बजे पार्टी के निर्देशानुसार सभी ने मिलकर राष्ट्रगान का गायन किया। आज का प्रोग्राम छोटा था, लेकिन कल हर वार्ड में, हर कॉलोनी में जाके, मैं जितने भी हमारे 500 वार्ड में सब में जाके झंडा फहराएंगे और कल स्वतंत्रता दिवस को जो है हम मनाएंगे। और लोगों के हर जगह यही मेरी अपील रहेगी कि आपस में भाईचारा, सौहार्द, सद्भावना बनी रहे, ताकि समाज में एक अमन और का माहौल बने और राष्ट्र और समाज दोनों तरक्की करें। सीएम साहब ने जैसे कि अभी अपनी दिल्ली में 25 लाख ध्वज वितरण किया, आपने भी अभी यहाँ 4,000 के लगभग हजारों लोगों ने वितरण किया, कैसा हर्ष महसूस हो रहा? बहुत अच्छा लगा, लोगों में बहुत उत्साह था, बहुत हर्षोल्लास था। हर आदमी की कोशिश थी कि मुझे झंडा मिले, और झंडा एक ऐसा प्रतीक है राष्ट्र के सम्मान के प्रतीक, कि लोगों के दिल में भावना उठती है राष्ट्र देशभक्ति। तो झंडा वितरण एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, और बहुत अच्छी बात है कि इतने लोग आए और सभी ने झंडा प्राप्त किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल सभी ये झंडा अपने घरों में फहराएंगे और हर मैसेज, हर सोसाइटी, हर बच्चे तक, हर व्यक्ति तक ये मैसेज आएगा कि हमने राष्ट्रभक्ति में किसी से पीछे नहीं रहना। विधानसभा विश्वासन की जनता को क्या संदेश देंगे इस पर्व पर? जैसा कि आज आपने देखा, कितने लोग गुजरात में विधानसभा के 500 वार्डों से आए, बहुत उत्साह है लोगों के कल के दिन के बारे में। और जैसे हमने झंडा वितरण किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कल भी इतने हर्षोल्लास के साथ ये दिवस मनाएंगे हम स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि ये एक ऐसा दिवस है जो हर आदमी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विधानसभा में जितने भी लोग हैं, निवासी हैं, सब जोर शोर से इसका कल आयोजन करके और ये दिन को मनाएंगे।